गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जल्दी से सभी जुड़ जाइए, तुरंत आ जाओ लाइव। आपका क्लास शुरू हो चुका है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, बस ध्यान से देखना और पूरा देखना। जी हाँ बिल्कुल, करें कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा, मतलब कुछ अच्छा करें। और चलिए हम भी आज कुछ अच्छा करते हैं। ये सरल समीकरण, जिसे हम दूसरी भाषा में बोलें तो रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, वो इन वन वेरिएबल। ठीक है, इन वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 7 का भी क्लास 10th NCERT मैथ चल रहा है, ध्यान से देखना, कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने। रमेश और रहीम, गौर करना, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, यानी कि दो बंदे हैं यहाँ पर जिनका आयु का रेशियो जो है वो 5:7 का है। एक एक पॉइंट समझना, पक्का समझ में आएगा। यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक व रहीम की आयु 9 वर्ष कम होती है, नहीं सोचा जा रहा, गेस करिए, यदि मैं आज 18 साल का ना होता, यदि मैं आज 5 साल का होता, है ना, तो मुझे भी मम्मी के साथ पापा के साथ घूमने का मौका मिलता, लेकिन अफसोस कि हम 5 साल से बड़े हो गए, है ना, मतलब समझना। कह रहा कि यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक व रहीम की आयु 9 वर्ष कम होती तो रमेश की आयु रहीम की आयु की दोगुनी होती, मतलब समझ गए कि नहीं। चलिए नहीं समझे तब भी जाने दीजिए, एक एक पॉइंट हम करते जाएंगे, ठीक है। लास्ट में हमें क्या करना है, कह रहा कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए। साथियों आपको बता दें कि अगर कहीं आपको रेशियो दिया गया इस तरह का और आपसे पूछा गया है आयु या फिर इसमें से किसी एक का मान, तो आप इसको मानेंगे तो इसी रेशियो में ही मानेंगे, ठीक ना। चलिए लिखिए हल, क्या लिखेंगे, माना, देखिए रमेश और रहीम, पहले रमेश है फिर रहीम है ना, यानी कि रमेश का जो आयु का अनुपात वो 5 है और रहीम का क्या है, 7 है, उसकी आयु का अनुपात, मतलब रमेश छोटा है रहीम बड़ा है, पहले जाना ही पड़ रहा है ना। लिखिए माना रमेश एवं रहीम की वर्तमान आयु इक्वल कितना है, ऐसे नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x, 7x है, ठीक है। माना रमेश एवं रहीम की वर्तमान आयु क्रमशः भी लिख सकते हैं 5x और 7x है, ये आप लिख लेंगे अपने हिसाब से, चाहे जैसे भी, मतलब समझना करना क्या है, कैसे क्या करना है, ठीक है। बीच में तथा वगैरह लगा देंगे या फिर एंड वगैरह लगा देंगे तब थोड़ा अच्छा लगेगा, 5x और 7x है ना, थोड़ा सेंटेंस अच्छा हो गया। आगे क्या करेंगे, अब चलेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कह क्या रहा है प्रश्न में वैसे चलेंगे। कह रहा कि यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक और रहीम की आयु 9 वर्ष कम होती, चलिए हम कर ही लेते हैं, तो 5x है रमेश की आयु। कह रहा कि यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक होती, मतलब 9 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, भाई सिंपल सी बात है, जैसे अगर आज हम 7 साल के हैं, मानिए 7 ईयर के हैं, तो कहा जाए कि 9 वर्ष और अधिक हो जाए तो कितने साल के हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। कोई 7 साल का बच्चा है 7 ईयर का, अगर 9 वर्ष बाद पूछा जाए तो कितने साल का होगा, वो उसमें जुड़ जाएगा, 9, 7, 16 साल का हो जाएगा ना, तो वैसे ये क्या होगा, ये जुड़ गया। और रहीम की आयु 9 वर्ष कम होती, मतलब कितना है, अभी तो 7 है ना, तो 9 वर्ष इसमें से क्या होती, 9 वर्ष कम होती, तो क्या होता अगर ये होती, तो ये होता कि रमेश की आयु रहीम की आयु की दोगुनी होती। इसमें 2 से गुणा करना, इसमें करेंगे कि इसमें, बताओ कि इसमें करेंगे, सोचिए कि इसमें करेंगे। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, ये इसमें कन्फ्यूजन होगा कि इसमें गुणा करें कि इसमें, जल्दी बोलो, रमेश में गुणा करेंगे कि रहीम में। कह रहा है रमेश की आयु रहीम की आयु की दोगुनी होती, रमेश की आयु रहीम की आयु की दोगुनी होती, बात समझ रहे हो ना। जैसे कहा जाए दूध जो होता है वो पानी से दोगुना भारी होता है,
वैसे होता नहीं, मतलब समझना, यहाँ पर दूध पानी से 2 गुना भारी होता है, इसका मतलब कौन ज्यादा है? दूध जो है पानी से 2 गुना भारी होता है, कौन ज्यादा है? पानी ज्यादा है ना, पानी ज्यादा है ना, लेकिन पानी ज्यादा नहीं है, दूध ज्यादा है, लेकिन किससे ज्यादा है? पानी से। तो गुणा किस में करोगे आप, किस में गुणा करोगे? दूध पानी से क्या है, 2 गुना भारी है, मतलब पानी वाले में करोगे ना। वैसे इसमें समझना, अच्छा ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ए है एक बी है, ठीक है, एक ए है एक बी है, ए की जो आयु है वो बी के 2 गुनी के बराबर है, बी के 2 गुनी के बराबर है, बताओ 2 से गुणा किस में करोगे? 2 से किस में गुणा करोगे? ए की आयु बी के 2 गुनी के बराबर है, भाई ए है इसकी आयु बी के क्या है, 2 गुनी के बराबर है, मतलब कहने का मतलब ए जो है ज़्यादा भारी है ना, यही तो हुआ ना। तो वैसे क्या करोगे आप, जो कूड़ा करोगे वो किस में होगा पता है आपको? किस में होगा? इस वाले में होगा। ये बस हो गया, इतनी बड़ी कहानी हम आपको समझाने के लिए बताए इतना देर तक, बात समझ गए ना? तो ये कितना आसान था ना। चलिए अब इसी को हमें हल करना है, जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा फटाफट, अब हम बहुत तेजी के साथ चलेंगे और उत्तर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में मिटा दे रहा हूँ, वीडियो को पीछे करके देख लेना जिनको देखना है, अब बहुत स्पीड में चलेगा, बस यही तो मेन था इसमें, जो टाइम लग गया, समझाने वाला ही तो मेन होता है ना, हल करने में तो सेकेंडों लगते हैं, बताने में घंटों लग जाते हैं, और आपको समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये आया 5x + 9 = 2 सते, ये 14x और -2 = 18। अब ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस, इधर आएगा प्लस में है तो -14x, ये -18, इधर जाएगा -9। सबट्रैक करोगे -9x और -27, x = -27 और -9, क्या आया? 3 आ गया ना, आ गया आंसर आपका। हमने माना था रमेश की आयु 5x और रहीम की आयु 7x, माना था ना। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लिखोगे अतः रमेश की वर्तमान आयु 5x = 5 × 3 = 15 वर्ष। जल्दी जल्दी छाप लो फटाफट, बस अब टाइम नहीं है, ठीक ना। फिर नीचे क्या लिखोगे इसके बाद, इसके बाद आप लिखोगे रहीम की वर्तमान आयु 7x = 7 × 3 = 21 वर्ष। देखिए आंसर आ गया है ना, कितना आसान ना। देखिए टाइम भले इसको लगाने में 5 मिनट लग गए, लेकिन आपको समझ में आ गया, ये बड़ी बात है। हम ये नहीं देखते कितना समय लगता है, हम ये देखते हैं कि आप समझ जाते हो कि नहीं। चलिए अगला सवाल, संख्या पर आधारित सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना गौर करना। कह रहा कि 2 संख्याओं का योगफल 25, यानी उनका सम, 2 नंबर ऑफ सम = 25 एंड द रेशियो ऑफ 2:3, मतलब 2 नंबर दिए गए हैं जिनका रेशियो 2:3 है और उनका सम मतलब योगफल 25 है, तो वो नंबर अलग अलग क्या है, पहले गेस करिए, मानते हैं है ना। यहाँ पर लिखते हैं माना वह संख्याएं, या फिर वह तो एक वचन हो गया, माना वे संख्याएं 2x तथा 3x हैं, जो अनुपात दे रहेगा उसी में मानेंगे। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहा कि उनका योगफल 25 है, योगफल मतलब सम ऑफ नंबर, यानी कि इसका जोड़ दीजिए, 2x + 3x क्या है, ये 25 है, बस आ गया। यहाँ पर अगर आप गौर करिए तो कितना आया, x की वैल्यू 5 आई ना, अतः पहली संख्या कितनी आ गई, लिख लो जल्दी से, यहाँ लिखना, अतः पहली संख्या 2x = x का वैल्यू रख दो 5 जो आया है, 2 × 5 = 10, यही तो आएगा ना कि कुछ और आएगा। और दूसरी संख्या 3x = 3 × 5 = 15, यानी कि 10 और 15 दोनों उत्तर हो गए। जल्दी से नोट कर लीजिए, तुरंत छाप लीजिए वीडियो को रोक करके, और फिर आगे देखते हैं, बहुत जल्दी करें, फास्ट हो गया।
तो मित्रों, अगर अभी तक आपने पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। अगर किए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जैसा कि हमने देखा है, एवरेज व्यूज बहुत कम आते हैं जो बहुत लॉन्ग क्लास होती है। इसका दूसरा भाग हम आपको आज ही देंगे 5:15 पर सुबह, ठीक है? उसको भी देख लीजिएगा। ये पार्ट आपको सुबह 5 बजे मिल जाएगा पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर, और पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर शाम को इसे आप देख सकते हैं। ये मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग 5 बजे, ठीक। शाम को इसको आप देख सकते हैं 7:30 बजे, ठीक ना। और आज के ही डेट में, अभी जस्ट इस क्लास के ख़त्म होने के बाद 5:15 पर, क्योंकि 15 मिनट का ये पार्ट होगा, उसके बाद आप देखेंगे अगला पार्ट, और शाम को 7:45 पर अगला पार्ट देख लीजिएगा ज़रूर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। अगर स्पेशल क्लास चाहिए तो व्हाट्सएप पे संपर्क करें। जय हिंद। बस थोड़ा सा वेट करिएगा, 2 मिनट में हम आ रहे हैं फिर से 5:15 पर अगली क्लास लेकर के। चैनल पे ही बने रहिएगा।